भाई क्या हाल है? अभी शाम के कोई 5 बज रहे हैं और अभी मीटिंग वगैरह अटेंड करके आ गया हूँ, सारे इंचे सेमिनार्स वगैरह लेकर आ गया हूँ। और अभी शाम के जैसे 5:30 बज रहे हैं, तो ये है कि बाहर जो है ना सूरज वगैरह बिल्कुल गुरू होने के करीब है और बाहर जो है बर्फबारी हो रही थी, अब बर्फ़ पिघल गई है। सर्दी है बाहर लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन बाहर जो है ना मतलब फुल बर्फ़ है अभी भी। तो मैंने बोला बाहर चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या हालात है बाहर के। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा साथ ही चल रहे हैं, सेट है। पहले उठानी है जैकेट क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और मफलर लगा तो लेना नहीं है, हाथ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसको वहीं पर रख देते। कमरा बड़ा फैला हो रहा है लेकिन अब हम इसके यूज़ टू होगा। बाहर खुलता है गेट इसका यार। तो सीन ये कि यह है हमारे हॉस्टल का गेट, मैं रहता हूँ सी ब्लॉक में। अच्छा भाई, पीछे जो है मेरा हॉस्टल है और यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ है। ये सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक हॉस्टल की ब्लॉक ये है, मुझे नहीं पता कौन सा ब्लॉक है। ये सामने वाला जो है ना ये मेरे ख्याल से एफ ब्लॉक है और बहुत सारे हैं। बर्फ़ तो आपको दिख ही रही है, बर्फ़ की जो है नौयत मतलब यहाँ पे इन्होंने साफ़ सफाई वगैरह कर दी है, लेकिन जब हम नए नए आते ना तो सब भरा हुआ था। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ना मतलब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं से स्टार्ट करते हैं, उस तरफ से जाके देखते हैं। यहाँ पे जा तो रहे पूरी स्ट्रीट आगे तक। और यार यूरोप का मुझे एक कल्चर बड़ा पसंद है, मतलब यहाँ पे ना टर्की में भी वही चीज़ फॉलो होती है कि इधर जो है ना मतलब जो दरख्त होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हर जगह ही होते हैं, मतलब तकरीबन की स्ट्रीट्स हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, डॉर्मेट्रीज हो गई, मतलब हर जगह ना इनके यहाँ कल्चर है ग्रीनरी का और शजरकारी का, समझ रहे ना। तो जब ये क्या होता है, जब सर्दियाँ आती हैं ना तो इनके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ में जब इनके ऊपर बर्फ़ ठहरती है ना तो बहुत ही मतलब एक अलग ही ना एस्थेटिक सी वाइब आती है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। लेकिन अभी ये है कि इनके उनके ऊपर बर्फ़ अभी है नहीं क्योंकि बर्फ़ झड़ना स्टार्ट हुई है, लेकिन ऊपर आपको शायद थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हो अभी भी। लेकिन ये कि कितनी वाइब इतनी अच्छी रहती है ना, मतलब तो ये मैं बता रहा था कि जो दरख्त वगैरह होते हैं ना इनके, ये लोग लगाते हैं हर जगह, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, बाकी शहरों का तो नहीं पता लेकिन कराची में जो है इतना नहीं है, जो होते हैं वो भी काट देते हैं। और मेरे हाथ में बड़ी ठंड लग रही है। तो ये अब देखें, ये वाले जो दरख्त है ना इस पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, लेकिन जो है ना अच्छा, सर्दियाँ जो है ना मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और सर्दियाँ पसंद होने का एक ये भी मकसद है कि सब सर्दियों में मैं थोड़ा सा गोरा हो जाता हूँ, वैसे हूँ नहीं, ठीक है। और सर्दियों में पिक्चर बड़ी अच्छी आती हैं यार, अगर आपने नहीं देखी इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगा यहाँ के, इंस्टाग्राम पे जाके आप पिक्चर वगैरह देखें, ठीक है। मेरे सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि ये सफ़ीर एक पिक्चर का बोल के 100 तस्वीरें खिंचवाते हैं और डालते फिर 3 है। तो अच्छा, आप ये चेक करें, आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ चेक कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है पेड़ की मज़ीद शाखें छोटी छोटी, ये चेक कर रहे हैं आप, ये मैं हाथ से तोड़ सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये फुल जो है ना वो बर्फ़ जम चुकी है शाखों पे, और मेरा हाथ भी कांप रहा है और मेरा पाँव भी अंदर चला गया, मेरे पाँव के अंदर बर्फ़ भी जा चुकी है, लेकिन कोई नहीं, इतना तो चलता है, वो भी साफ वाफ कर लेंगे। तो ये है, अच्छा मैं मेरी सिटी जो है ना भी कारोबार, उधर बर्फ़ वगैरह नहीं थी, उधर सर्दी है ठीक ठाक, उधर भी सर्दी है लेकिन उधर बर्फ़ वगैरह भी सच नहीं है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता, जब तक हम लोग वापस जाएंगे शायद उधर बर्फ़बारी शुरू हो जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वाहन में ये क्योंकि बहुत ज़्यादा उस एशियन साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे, तो इस वजह से इधर बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अच्छा यार, थैंक्स टू द ना वर्कर्स हेयर कि इन्होंने बहुत मेहनत करके सफाई करी है, वरना ये बर्फ़ को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लिटरली। और इधर जो है ना मैंने मशीन भी चलती हुई नहीं देखी कोई बर्फ़ को हटाने वाली, बेचारे मैंने दूसरे ब्लॉग शूट करे हैं तो उसमें शायद अंकल नज़र आए जो बेलचे लेके जो है ना मतलब साफ़ कर रहे थे। तो एक बात तो कहने वाली है यार, ये लोग बड़े मेहनती हैं, काम चोर बिल्कुल भी नहीं है। अब चेक करें कितने तरीके से बर्फ़ साफ़ करी है उन्होंने ना यहाँ पे। यहाँ से हम चलते हैं, ये वाला रास्ता मैं एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। अच्छा, ये जो बर्फ़ पिघल जाती है ना तो उसके बाद ये थोड़ी कीचड़ वीचड़ हो जाती है, तो मेरे वाइट जूते तो मुझे बिल्कुल संभल के चलना है, क्योंकि वाइट जूते जो है ना वो एक दफ़ा लग जाते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल होता है। ये जूते साफ़ करने के लिए आपको बताता हूँ कि ट्रिक है क्या, मैं बताता हूँ अभी। तो ये लाइफ हैक है, लाइफ हैक नहीं, शूज़ हैक बोलते हैं आप, ये किसी को बताना नहीं है। अगर आपके जूते गंदे हैं ना, क्या चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, कुछ भी नहीं करना, बर्फ़बारी की जहाँ पर भी हो रही ना जूते लेके पहन के निकल जाओ बाहर। और जूते बर्फ़ के अंदर जितने हो सके रखें, बर्फ़ के अंदर जब तक जूते जाएंगे नहीं ना, और जब तक रगड़ नहीं पड़ेगी बर्फ़ से, जूते साफ़ नहीं होंगे। क्या ही जूते साफ़ करेंगे आप घर पे ब्रश लेके पॉलिश करके या धो के, जो इससे साफ़ होते हैं। जब मैं बर्फ़ में थोड़ा आगे पीछे हुआ चला, मैं मेरा सांस फुल है। असल में पहाड़ी इलाका है ना, हाई एल्टीट्यूड पर, तो थोड़ी सांस की भी प्रॉब्लम होती है इधर रात में, और बर्फ़ भी ज़्यादा है, हवा में भी बड़ी
नमी कम है और वो खुश्की ज़्यादा है, तो ड्राई हवा से जो ना ड्राई एयर से थोड़ा सा भी चलते ना तो सांस फूलती है। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना सामने सोशल तहसील से यहाँ पे ही हमें खाना, यहाँ से हम लोग खाना खाना खाते हैं, तो हम आगे निकलते हैं पहले। अच्छा भाई तो हम ये दूसरी जगह पे आए और ये कुत्ता चेक कर रहे हैं आप कितने सुकून से सो रहा है, ये इतने सुकून से सो रहा है ना, ना कोई ठंड लगी ना कुछ, मतलब फुल इंजॉय कर रहा है। वैसे इनके कुत्ते जो ना थोड़े दूसरे होते हैं, उनकी खाल थोड़ी मोटी होती है और बाल छाल भी ना हमारे जैसे कुत्तों की तरह नहीं होते, या फिर हमें ही ठंड लगती है, ख़त्म हो जाते हैं हम लोग। इनमें बड़े पोटेंशियल होता है भाई, अल्लाह ताला ने सब मतलब सब मखलूकात को जो है ना इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, सो जो बात है। वैसे मैं देख रहा था ये लोग जो जम जाती ना, पर उसमें कुछ डाल लेते, पता नहीं क्या, कुछ सोडा डाल लेते कि नमक डाल लेते, जिससे मट्टी भी डाल लेते, याद आ गया, बजरी या कुछ पथरीली सी मट्टी नहीं होती जाके फ्रिक्शन पैदा हो, अभी स्लिप हो जाता है ना, तो ये पत्थर वाली बर्फ़ होती है ना ये वाली, ये जम जाती है, ये होती है ख़तरनाक। हाँ भाई तो उस जगह से तो मैं निकल कर आ गया हूँ, तो मुझे एक और ये जगह मिली थी, मेरे ख्याल से छोटा सा प्लेग्राउंड है और आई थिंक ये बास्केटबॉल टाइप का कोई कोर्ट है, बहुत छोटा सा है ये लेकिन बट स्टिल, और ये बैठने वगैरह की जगह है यहाँ पे, मतलब जो बच्चे वगैरह सिगरेट पीते हैं चाय पीते हैं, बैठने उठने की मतलब थोड़ी सी ना सोबत की जगह है यहाँ पे। और ये छोटा सा जो इनका प्लेग्राउंड है इधर, आप इंस्टाग्राम चेक करें भाई का, जाके फॉलो करें या ना करें वो एक अलग चीज़ है, पिक्चर चेक करें आप जाके, अच्छी पिक्चर मतलब समझ रहे ना। तो वैसे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन ये जो है ना मुझे मतलब काफ़ी अट्रैक्टफुल लगी हैं चीज़ें, दरख्त का कॉन्सेप्ट जो है ना इन लोगों का, कि हर जगह जो है ना लोग दरख्त लगाते हैं और फिर बर्फ़बारी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लिटरली, तो ये है। अच्छा एक और मैंने चीज़ यहाँ पे नोट करी है कि हॉस्टल वगैरह की थीम एक ही है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना कि पाशा भाई के घर का रंग नीला है, फिर उनके बराबर वालों के घर का रंग पर्पल है, फिर अर्शी का घर का रंग जो है ना वो येलो है, मतलब समझ नहीं आता ना हमारे घर के बगल के जिसको जो दिल कर लिया। तो इधर मैंने ये चीज़ देखी कि टर्की में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, ठीक है ना, इनके घर की खिड़कियाँ एक मतलब सब तरीके की होती हैं एक जैसी, कर्टेंस हो गई जो पर्दे होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, घर के कलर भी ना मोस्टली जैसे एक बिल्डिंग है या बराबर वाली पूरी सेम स्ट्रीट के ना मोस्टली कलर सेम होते हैं, नीला पीला हरा गुलाबी नहीं चलता। तो यहाँ भी मैंने ये चीज़ नोट करी है इनके हॉस्टल्स वगैरह में ना, कि ये आउटडोर तो ठीक है पेंट, इंडोर भी जो है ना ये वाला नहीं है पेंट, लेकिन इंडोर जो पेंट है ना वो भी सेम ही है। अच्छा ये जो है ना इसमें आपको पढ़ के बता दूँ क्या सीन है इसका, ये है इदारे, इदारे बोलते हैं इदारे जो हमारे उर्दू में इदारा होता है, वो स्ट्रीट इधर है, कैंटीन या खान है ये भी इधर है, चामशर खान है वो इस साइड पर है, इसी मरकज़ी वो भी इस साइड पे है, और ये अच्छा ब्लॉक लार जो मैं बोल रहा था ना आपको, ब्लॉक चेक करें आप, ए बी सी डी ब्लॉक लार वो इस साइड पे, और ई एफ जी एच ओ एन पी आर ब्लॉक लार वो उस साइड पर है। भाई कितना ही बड़ा हॉस्टल बना दिया ये, अगर वान की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सुन रही है तो वही मतलब सलाम है यार आप, पता नहीं ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ एन पी आर, गुड है ब्रदर गुड है, बेहतरीन चल रही है। ये चेक कर रहे हैं आप पूरी दरख्त कैसे सीक्वेंस से लगाए हैं इन लोगों ने, और ये जो देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे ये छोटे हैं नहीं बड़े हैं बहुत दरख्त, और इसके साथ जो आप ये देख रहे हैं ना ये जो गुच्छे जो दिख रहे हैं ये हैं घोंसले, और घोंसले हैं किसी परिंदे के ही, मतलब परिंदे ही बनाते हैं ना घोंसले दरख्त पे। सो हाँ अच्छा ये वाला जो स्पॉट है ना इधर मैंने तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी पोस्ट डली हुई है इधर के, वो जो जगह नहीं उधर की तस्वीरें, इधर मैं बैठा हुआ था और दोस्त ने मेरी इधर तस्वीरें खींची थी, और उसमें मैंने कैप्शन डाला था क्या कि कभी कभी बोलते हो तुम भी अपने मूड के हो, क्या ही बात हो ये है। अच्छा मुझे ये नहीं पता यार स्ट्रीट आगे कहाँ जा रही है, जब मैं नया नया टर्की आया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी बर्फ़बारी में ना, बर्फ़बारी देखने का शौक तो था मुझे, ठंड भी बुरी लगती थी, लेकिन अब जो है ना मतलब वक्त के साथ साथ थोड़ा अब कंट्रोल आ गया, अभी भी बस मैं ये शर्ट पहना हूँ और ये पैंट है मेरे साथ, मेरे मतलब मैं पहना हुआ हूँ, जूते हैं और जैकेट है और कोई ग्लव वगैरह नहीं पहने, मतलब ऐसे ही आया हूँ बाहर, लग रही है ठंड लेकिन कंट्रोल बढ़ गया है समझ रहे ना, मतलब आप जिस मुल्क में रहते हैं या जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना तो उधर के हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, फिर आपकी बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है जो है ना। अच्छा मुझे समझ में नहीं आई एक बात, जो पिंक पिंक इन्होंने कलर किए हुए हैं, मतलब अगर बॉयज़ हॉस्टल है ना तो बॉयज़ हॉस्टल में पिंक कलर कौन करता है, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है मतलब कोई कलर कर दें लाइट ब्राउन कलर कर दें, ब्राउन कर दें या वाइट कर दें, ये पिंक कलर की क्या तो क्या, ये समझ भी नहीं आया मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई खून कोई लड़की वगैरह तो दुपट्टा तक नज़र नहीं आया मुझे किसी का, तो यहाँ पे सब जो है ना कैंची हैं, तो उस हिसाब से जो है ना मुझे कलर समझ नहीं आया इनका। अच्छा भाई ये है आगे जो है ना मुझे नज़र आ रहा है बहुत बड़ा सा गेट, बड़ा सा खैर नहीं है छोटा सा है, छलांग मार के टाप लूँ, लेकिन जो है ना ये बंद है, और आगे मुझे ख्याल से
पता नहीं क्या है, लेकिन ये जो बाउंड्री है ना, डैट मीन्स के यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो यार बस ये हॉस्टल इतना सही था, इतना सा तो खैर नहीं, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, बड़ा एरिया है यहाँ पे, तो मतलब टेस्ट मैच हो गया पूरा पाकिस्तान सीरीज का। तो यही था भाई, इतना बड़ा या इतना सा यही हॉस्टल था, और इतना ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। बट लोगों ने एक चीज़ नोट करी है नहीं करी, लेकिन मैंने टर्की में एक चीज़ नोट करी है कि ये जो येलो वाली जो होती है ना पट्टी, ये जो येलो वाला ट्रैक है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं भी जब शुरू में आया था ना तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी कि ये येलो ट्रैक किस चीज़ का है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये लोग ब्लाइंड लोगों का, जो अंधे होते हैं उनका भी बड़ा ख्याल करते हैं वो, तो उन्होंने ना इसका स्पेशली ट्रैक बनाया होता है कि वो जो उनकी जो स्टिक होती है ना उससे वो जज कर सके कि भाई क्या रूट चल रहा है। ये मैंने इस्तांबुल में भी चीज़ देखी है, इधर भी देखी है, मतलब बहुत कॉमन है। और व्हीलचेयर वालों का भी ट्रैक होता है हमारे यहाँ, तो मतलब वो चलती हुई स्ट्रीट पे वो आँखों वाला भी जिंदा बच जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, वरना जो जिस हिसाब से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ब्रेक पड़ते हैं, और जो खातूनें रोड क्रॉस करती हैं ना, तो वो तो अलग ही लेवल की चीज़ है हमारी। तो जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, और हमारे यहाँ मतलब इतना सा वो फुटपाथ होती है, फिर इतना सा रोड होता है, फिर उस पर जो है ना वो अर्शी साहब शोकेस 2 मीटर बाहर निकाल लेते हैं, तो वो वाले चबूतरे बड़े कर लेते हैं कि बाइक निकालनी है तो वो निकाल लेते, तो मतलब वो इतना सा जो है ना इतना सा रोड रह जाता। तो खैर ये तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए, खैर वो अलग चीज़ें। बाकी ये देखें ना, मगरब हो गई ना, लाइटें शाइटें जल गई हैं, और कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, मतलब ये पूरी बर्फ़ शर्फ पड़ी हुई है, लाइटें शाइटें ऑन हो गई हैं, और ये जो है ना वो है जो हमें खाने, तो अंदर का भी जो है ना काफ़ी बड़ा मतलब अच्छा सा सेटअप हुआ है, तो टाइम मिला तो इंशाल्लाह अंदर की मैं वीडियो बनाऊँ, सेट हो गया।